गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं कीर्ति परोहा 10th इंग्लिश की क्लास में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, आपकी जो टेक्स्ट बुक है जिसका नाम है फर्स्ट फ्लाइट, उसके अंतर्गत आज हम पोएट्री सेक्शन में पोम नंबर जो 5 है द बॉल, उसका अध्ययन करेंगे। एक बात मैं आपको यहाँ बता दूँ कि कुछ बच्चों के टेक्स्ट बुक का जो फ्रंट कवर है वो इस प्रकार का है, और कुछ जो अभी नई टेक्स्ट बुक आई है उनका फ्रंट कवर चेंज है, तो उससे आप परेशान मत होना, जो उसका इंटरनल मटेरियल है वो पूरा सेम रहेगा। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। आज की जो पोम है द बॉल, उसके जो पोएट है उनका नाम है जॉन बैरमैन। ये एक अमेरिकन पोएट है और स्कॉलर रहे हैं, और ही इज बेस्ट नोन फॉर द ड्रीम सॉन्ग। ड्रीम सॉन्ग जो इनका पोएट्री सेक्शन है उसके लिए बहुत फेमस हुए, which was a sequence of 385 poems, जो कि 385 कविताओं का संग्रह था। He won Pulitzer Prize for the Dream Song. He also won National Book Award. मतलब इनको दो प्राइज भी मिले इन ड्रीम सॉन्ग्स के लिए, पुलित्जर प्राइज और नेशनल बुक अवार्ड भी इनको प्राप्त हुए हैं। अब हम शुरू करते हैं आज की जो पोएट्री सेक्शन से पोम, द बॉल पोम। द बॉल मतलब द बॉल पोम मतलब गेंद। आपको सुनने में थोड़ा लगा होगा एक अलग टाइप की गेंद पर एक पोम लिखी गई है, लेकिन जब आप इस पोम को समझेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि एक छोटी सी वस्तु भी हमको कितनी बड़ी सीख दे सकती है। अगर हम इस पोम के बारे में देखें, अ बॉय लॉसेस अ बॉल, ही इज वेरी अपसेट, अ बॉल डजंट कॉस्ट मच, नॉर इज It difficult to buy another ball. When, why then is the boy so upset? Read the poem to see what the poet thinks has been lost and what the boy has to learn from the experience of losing something. अब यहाँ पर एक बच्चा रहता है, छोटा बच्चा जनरली अपनी गेंद घुमा देता है। जब उसकी जो बॉल है गेंद है वो गुम जाती है तो बहुत अपसेट हो जाता है, बहुत उदास हो जाता है। क्यों होता है? एक गेंद के घूमने के कारण नहीं, क्योंकि गेंद की कीमत बहुत नहीं होती, लेकिन उससे जुड़ी हुई जो यादें रहती हैं वो उसको परेशान करती रहती हैं। अब हम जब इस पोम को आगे पढ़ेंगे तो हमको समझ में आएगा कि वो बच्चा अपसेट क्यों था और इस बॉल के खो जाने के कारण उसको क्या एक्सपीरियंस होता है, इसको हम आगे पढ़ेंगे बच्चों। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। इसके पहले आप अपनी पोएट्री सेक्शन से ये जो पोम है वो निकाल लें, उसको साथ में रीड करेंगे और समझेंगे भी। What is the boy now who has lost his ball? What is he to do? I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over there is in the water. No use to say, oh, there are other balls. An ultimate shaking grief fixed the boy. As he stands rigid, trembling, staring down, all his young days into the harbor where his ball went, I would not intrude on him. इसके पहले हम इसके जो word meaning सब वो देख लेंगे। Merrily यानी खुशी खुशी, खुशी से। Shaking leaves का meaning है गहरे दुख में। Rigid, strong, dread, और intrude मतलब दखलंदाजी करना। अब यहाँ पर जो पोएट है वो बता रहा है कि ये बच्चे को क्या हो गया है, ये बच्चे के साथ क्या हुआ। Who has lost his ball? क्योंकि इसने अपनी जो गेंद है वो गुमा दी है। What is he to do? फिर से दोबारा पोएट ने इस पर इम्प्रेस किया, इसने ऐसा हुआ अगर उसकी बॉल गुम गई तो क्यों। I saw it go, मैंने देखा था ये जा रहा था। Merrily bouncing down the street and then Merrily over there is in the water. मैंने देखा कि जब वो बच्चा उस गेंद से खेल रहा था तब वो बॉल खुशी से उछलती कूदती और पूरी सड़क से होते हुए कहाँ चली गई, पानी के अंदर जाकर गिर गई। अब no use to say, oh, there are other ball. मैं वहां खड़ा था, मैंने उस बच्चे को ये नहीं बोला, अरे कोई बात नहीं, यहाँ पर एक दूसरी बॉल भी है। मैं उसको ऐसा समझाने की कोशिश नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? जनरली क्या होता है, बच्चों को अपनी बॉल से बहुत लगाव रहता है। आप भी जब बचपन में रहे होंगे तो आपको याद हो, आपकी बॉल घूम जाती थी तो आप क्या करते थे,
हर वो अंतिम कोशिश किया करते थे कि हमारी घूमी हुई बॉल हमको दोबारा मिल जाए। तो अब यहाँ पर जो पोएट है उस बच्चे को देख रहा था, कहता नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स, यहाँ पे कोई मतलब नहीं है कहने का कि अरे और भी दूसरी गेंदें तुम उपयोग कर लो, क्यों नहीं है। एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्स द बॉय एज ही स्टैंड्स रिजिड ट्रेमलिंग स्टेयरिंग डाउन। अब वो बोलते हैं कि क्योंकि अंततः अल्टीमेटली मेरे को बिल्कुल लास्ट तक कोई भी ऐसी चीज, कोई ऐसी लिमिट नहीं छोड़ी, इतना ज्यादा दुख उस बच्चे को हो गया, मतलब वो बच्चा बहुत गहरे दुख में चला गया, ओ मेरी बॉल चली गई। एज ही स्टैंड रिजिड, वो बहुत एकटक होकर के देखते हुआ, घबराया हुआ सा और टकटकी लगा के उस बॉल को देख रहा था। आगे क्या बोलते हैं, ऑल इज यंग डेज इन टू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट, आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम। बोलते हैं कि ऐसा लग रहा था कि जैसे उस बॉल के साथ उसकी बहुत यादें जुड़ी हुई हैं और उन यादों को वो वहां बंदरगाह, मतलब बंदरगाह यहाँ बंदर हार्बर मतलब बंदरगाह से नहीं है, जहां पानी का किनारा चालू होता उस जगह से, तो वहां पर वो जो बॉल गिर जाती है उसकी, तो वहां पर उस बॉल को देखता है, क्या देखता है, उसके साथ उस बॉल के साथ उस बच्चे की जो यादें जुड़ी हुई रहती हैं वो उसको खोना नहीं चाहता है, इसलिए वो उस बॉल को वापस पाना चाहता है। उसकी बॉल तो चली गई और मैं भी उसके दुख को देख करके और उसकी इस अवस्था को देख करके इंक्लूड, मतलब मैं उसके उसमें कोई दखलंदाजी नहीं करना चाहता, मैं नहीं चाहता कि उस बच्चे के दुख को जाकर के और दुखी करूं या उसको परेशान करूं। आगे क्या होता है, अ डाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजिशन, पीपल विल टेक बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय एंड नो मोर वर्ल्ड अ बॉल बैक, मनी इज एक्सटर्नल, he is learning well behind his desperate eyes the epistemology of loss, how to stand up knowing what every man must one day know and most know many days how to stand up। ab last ye wala jo stand hai isme poet ne apna jo ek scenario pura clear kiya hai ki us gend ko lekar ke jo usne poem banayi hai uska real mein meaning kya de raha hai। तो बताता है कि डाइम, डाइम क्या है, एक यूएस की करेंसी है, यहाँ पे एक डाइम होता है, वन डाइम इज इक्वल टू 10 सेंट, जैसे हमारे यहाँ पे 10 पैसा होता है ना, इसी प्रकार से पैसा यूनिट होती है, तो ऐसे यहाँ डाइम, तो एक डाइम है 10 सेंट के बराबर। तो बोलता है कि एक 10 सेंट जो है वो उसके उसको देने से दूसरी बॉल हम खरीद सकते हैं, यानी 10 सेंट पैसे या एक डाइम देके हम दूसरी बॉल खरीद सकते हैं। इस वर्थलेस, ये कोई बहुत कीमत नहीं रखती इस चीज के कि नहीं बहुत ज्यादा पैसे हो गए इसलिए वो बच्चा रो रहा है कि मैंने बॉल घुमा दी, नहीं। नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ पर उस गेंद के गुम जाने से उस बच्चे ने क्या सीखा, सबसे पहले किस चीज का अनुभव किया, फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी पहली जिम्मेदारी सीखी कि मेरे पास कोई चीज है तो मुझे उसे खोना नहीं है, उसको लॉस नहीं करना है, उसको किसी प्रकार से अपने पास रखना है। इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशन, मतलब पूरी दुनिया क्या है, आजकल की जो दुनिया है पूरी भौतिकतावादी है और हर चीज पर अधिकार जमाना दुनिया की प्रवृत्ति होती है, तो वर्ल्ड ऑफ पोजेशन मतलब अधिकारों की इस दुनिया में वो अपनी सबसे पहली जिम्मेदारी निभाना सीख रहा है वो बच्चा। यहाँ पर सिर्फ गेंद नहीं है, अब वो किस चीज पे आ गई, मीनिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, पीपल विल टेक बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, हर लोग, यहाँ पर गेंद सिर्फ गेंद नहीं, अधिकार जो लोग हैं, जो जनता है वो क्या करते हैं, बॉल्स लेते हैं, सबके पास गेंदें आती हैं, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, और गेंद चली भी जाती है, मतलब हम कुछ पाते हैं और उसके बाद उसको खोते भी हैं, लिटिल बॉय एंड नो वन बॉयज अ बॉल बैक, और प्यारे छोटे बच्चे तुम ये ध्यान रखो कि कोई भी घूमी हुई चीज को दोबारा प्राप्त नहीं कर सकता, एक बार हमारे हाथों से जो चीज गुम जाती है या खो जाती है यह हमारे अधिकार में नहीं रहती, उसको हम दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते। मनी इज एक्सटर्नल, पैसा तो सिर्फ एक बाहरी, सिर्फ एक कीमत लगाने वाली चीज है, लेकिन जो उसका वास्तविक मूल्य है, उस चीज की वैल्यू जो है वो नहीं कर सकता, सिर्फ उसकी कीमत बता सकता। ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आईज, और वो जो खड़ा खड़ा
एक तक तक ही लगा के निराशा वाली भाव से देख रहा था, डेस्परेट मीन निराशा, जो निराशा भरी निगाहों से जो उस बॉल को देख रहा था ना, उस समय उसने क्या सीखा, उसने ये सीखा कि हर चीज पे अधिकार हम पूरे समय नहीं कर सकते। द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, मतलब ज्ञानवर्धक सच्चाई, एपिस्टेम मतलब ज्ञान, ज्ञान की जो ज्ञानवर्धक सच्चाई, यानी घूमने की जो ज्ञानवर्धक चीज है, यानी किसी चीज के लॉस से रिलेटेड जो ज्ञान है, उसको वो कौन सीख रहा, वो छोटा बच्चा सीख रहा कि जो भी चीज हमको हमारे पास आती है, अगर वो लॉस में जाती है, गुम जाती है या हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं रहती है, तो इसके बाद हमको कैसे रिएक्ट करना है और कैसे, हाउ टू स्टैंड अप, कैसे उसके बाद दोबारा उठ खड़े होना है। नोइंग वॉट एवरी मैन मस्ट वन डे नो एंड मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप, ये यहाँ पर बहुत एम्फेसाइज किया है इस वर्ड में, हाउ टू स्टैंड अप, मतलब इतने बार, क्योंकि हमारे साथ जीवन में कभी ना कभी ये चीज होती है कि कोई भी चीज आती है और चली जाती है, जीवन में आना जाना लगा रहता, लेकिन किसी चीज को खोने के बाद हमको दोबारा कैसे खड़े होना है, दोबारा हमको अपना जीवन फिर से कैसे शुरू करना है, ये हमको सीखना चाहिए। हर व्यक्ति के जीवन में ये दिन आता है और हर व्यक्ति को ये चीज सीखना चाहिए कि हाउ टू स्टैंड अप, यानी एक चीज के लॉस होने के बाद हमको दूसरी चीज प्राप्त करने के लिए दोबारा स्टैंड होना पड़ेगा। तो ये बहुत ही अच्छी चीज एक छोटी सी बॉल के माध्यम से पोएट ने समझाई है। मुझे आशा है बच्चों कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, आप बहुत अच्छे से इस पोएम को अपनी टेक्स्ट बुक में, नोटबुक में नोट करेंगे और लर्न करेंगे। थैंक यू।